तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास नॉइस की तरफ से एक और रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तों नॉइस HRX स्प्रिंट। इसे दोस्तों मैंने अमेजोन से परचेज कर लिया था कुछ दिन पहले और दोस्तों कुछ दिन से टेस्ट भी कर रहा हूं, बॉक्स अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले गाइस बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर मैं नॉइस की ब्रांडिंग दे रखी और दोस्तों यहां पे इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, जैसे 1.91 TFT डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। यहां पे भी दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, सारे वीडियो में कवर करूंगा। और दोस्तों बैक साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है प्राउडली डिजाइन इन इंडिया, तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। तो बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा, वारंटी कार्ड दे रखा है और दोस्तों कुछ स्टिकर वगैरह भी दे रखे हैं नॉइस की तरफ से। और दोस्तों आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, केबल की क्वालिटी मुझे काफी ठीक लग रही है, लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक दे रखी, तो वॉच को चार्ज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों डिजाइन मुझे काफी स्लीक और स्लिम लगा है और दोस्तों इसका डायल कुछ रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है, इसमें जो मल्टी फंक्शन बटन है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है। और दोस्तों बैक साइड में इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारी सेंसर चार्जिंग पिंस देखने को मिल जाएंगे, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पर इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पहन के रखेंगे तो आपके हाथ में रैशेस वगैरह नहीं आएंगे। इस साइड भी दोस्तों काफी ठीक ठाक स्ट्रैप आपको मिल जाएंगे, बकल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। और दोस्तों बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे आपको दिखते हैं रिप्लेसेबल स्ट्रैप। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले आपको 1.91 इंचेस का देखने को मिलता है, तो दोस्तों डिस्प्ले बड़ा है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि IPS है, HD है या LCD है, तो दोस्तों ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों हाई रेजोल्यूशन के साथ इसके डिस्प्ले आपको मिल जाता है 240x296, तो दोस्तों शार्पनेस इसके डिस्प्ले में मुझे काफी ज्यादा लगी है और साथ ही साथ आपको 500 nits पीक ब्राइटनेस भी मिल जाता है, तो दोस्तों आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया जिससे आपको इसके बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फुली नैरो बेजल्स के साथ ये डिस्प्ले आपको मिल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो नॉइस फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इसे मैंने डाउनलोड भी कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की UI मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की UI कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिलता है, यहां पर आपको चैलेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फ्रेंड्स ऐड कर पाएंगे और दोस्तों शॉप में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से नॉइस का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर पाएंगे। अगर आप माई डिवाइस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आपकी वॉच का मॉडल नंबर मिल जाएगा और दोस्तों बैटरी स्टेटस भी चेकआउट कर पाएंगे, यहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ऐप मुझे काफी यूजफुल लगा है। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों UI मुझे स्मूथ लगा है, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं तो यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स आप चेंज कर पाएंगे और दोस्तों ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स चेंज कर पाएंगे, यहां पर आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप कस्टमाइज्ड वॉच फेस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपनी पिक्चर भी लगा पाएंगे। राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको स्टेप्स काउंट देखने को मिलेगा, स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको SpO2 मॉनिटर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहां से वेदर अपडेट भी ले पाएंगे। स्वैप डाउन करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, अगर आप स्वैप अप करें तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाएगा, बैटरी स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे, D&D देखने को मिलता है और दोस्तों ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, यहां से दोस्तों डिस्प्ले पे आप लॉक भी लगा पाएंगे, तो दोस्तों आप नहीं चाहते कि आपके नोटिफिकेशन कोई और पड़े तो दोस्तों यहां से आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। यहां पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट करेंगे और दोस्तों टॉर्च वगैरह देखने को मिलता है, वॉच को साइलेंट करने का भी फीचर आपको यहां पे मिल जाएगा। राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा, मेन्यू में सबसे पहले आपको मिलता है नॉइस हेल्थ, अगर आप नॉइस हेल्थ में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको एक्टिविटी, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर देखने को मिलेगा और दोस्तों ब्लड प्रेशर वाला भी मॉनिटर दिख जाएगा। स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको डेली यूज करने वाले सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों टोटल इसमें आपको मिल जाते हैं 100+, तो दोस्तों यहां से आप ऐड भी कर पाएंगे कुछ स्पोर्ट्स मोड। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप करना है, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, नॉइस बज, अगर आप नॉइस बज में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको रिसेंट कॉल, डायल अप, कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर मिल जाएगा,
होगा, लगभग 10 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से आप साइन कर पाएंगे। और दोस्तों डायलअप ऐड काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप कोई भी QR कोड ऐड करके पेमेंट वगैरह भी ले पाएंगे। वेदर अपडेट देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्लॉक, यहाँ पे आपको ब्रीथ का भी ऑप्शन दे रखा है, AI वॉइस असिस्टेंट, गेम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गेम्स में आ रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो गेम्स देखने को मिलते हैं, फ्लैपी बर्ड्स और दोस्तों हैमस्टर। कैलकुलेटर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों छोटे मोटे कैलकुलेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिलता है, सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वाइब्रेशन एंड रिंग। अगर आप वाइब्रेशन एंड रिंग में जाए तो दोस्तों आप अपनी वॉच को म्यूट कर पाएंगे, रिंग पे रख पाएंगे, और दोस्तों रिंग एंड वाइब्रेशन दोनों पे रख पाएंगे, और दोस्तों ओनली वाइब्रेशन पे भी रख पाएंगे। यहां से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, पासवर्ड लगा पाएंगे, डिस्प्ले में अबाउट, पावर ऑफ, रीसेट देखने को मिलता है, रीस्टार्ट, यहां पे आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप QR कोड। तो दोस्तों ये थे वॉच के फीचर और UI। दोस्तों मुझे बिल्कुल बटर स्मूथ लगा, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से फीचर के मामले में भी ये वॉच मुझे काफी ठीक लगी, ऑलमोस्ट सभी फीचर इस वॉच में आपको मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो 230 mAh की इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है, अप्रॉक्स 2 आवर में फुल चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिनों से इसे टेस्ट भी कर रहा हूं, इसे दोस्तों कॉलिंग के लिए मैंने यूज किया है और दोस्तों विदाउट कॉलिंग भी यूज किया है। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको देने वाली है। ये वॉच आपको IP67 रेटेड मिल रही है, तो दोस्तों फुली वॉशेबल है। इसे पहन के आप हैंड वॉश करो या वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, और दोस्तों शावर वगैरह में भी यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों स्विमिंग करते टाइम मैं आपको बिल्कुल भी यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों हर एक ब्रांड बोलता है कि मैंने ये वाला टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया, ये वाला टेक्नोलॉजी यूज किया है। लेकिन दोस्तों मेरी मानो तो इस वॉच के जो सेंसर होते हैं उस पर आप ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं। इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज करो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है, तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की आपको रीडिंग कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को जब मैंने चेकआउट किया तो मेरी वॉच में 67 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में अभी 75 हो चुका है। तो दोस्तों यहां पे इसकी रीडिंग में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा था। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। यहां पे दोस्तों काफी सिमिलर रीडिंग मुझे मिल रहे हैं। अब मैंने इसे हार्ड सरफेस पे रख के इसके सेंसर को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे इसने बहुत जल्दी से एरर दिखा दिया, तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसे सॉफ्ट सरफेस पे रख के देखा तो यहां पे इसने रीडिंग शो कर दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इन सब वॉच के जो सेंसर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, कॉल को रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने का फीचर मिल जाएगा, कॉल को ट्रांसफर कर पाएंगे और दोस्तों डिस्कनेक्ट भी कर पाएंगे। कॉलिंग वाले फीचर की बात करूं तो इसे मैं आउटडोर इंडोर कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था। इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एक रियल टाइम टेस्ट करके भी दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ यार, ये बता आवाज मेरी तेरे पास कैसे आ रही है? आवाज क्लियर है। ओके, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने एक वॉच परचेज किया था नॉइस HRX स्प्रिंट, उसी से कॉलिंग कर रहा था, इसलिए मैंने कॉलिंग टेस्ट करने के लिए तुझे कॉल किया था। ठीक है, कॉलिंग के लिए ठीक रहेगी ना ये वॉच? हाँ बढ़िया रहेगी। चल ठीक है, थैंक यू। अभी इसका प्राइस लगभग 2200 है अमेजोन पे, 2200 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वैसे तो दोस्तों मैंने आपको सारे फीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में वैल्यू ऑफ मनी स्मार्ट वॉच ये मुझे लगे है। लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था नॉइस HRX स्प्रिंट स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए या इसी तरीके आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।